नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अनियंत्रित पिकअप ने दो महिला सहित बाइक सवार को मारी टक्कर, एक महिला की मौके पर मौत, दूसरी महिला और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। मामला आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र का। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र में लगभग 12 बजे फैजाबाद की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसके बाद बाइक सवार घायल हो गया। फिर सड़क किनारे जा रही दो सगी बहनों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरी गंभीर रूप से घायल है, जिसे डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। टक्कर मारने के बाद पिकअप सवार तेज रफ्तार से भागने लगा, जो कुछ दूर एक ठेले से टकरा कर एक घर में घुस गया। इसके बाद वह अपना वाहन छोड़कर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक रंजना पत्नी तीजू उम्र 60 वर्ष तथा अवतारी पत्नी मेढ़ई उम्र 55 वर्ष, ये दोनों थाना अहरौला क्षेत्र की रहने वाली हैं तथा दोनों सगी बहनें हैं। अतरौलिया स्थित मनवरपुर गांव निवासी योगेंद्र पुत्र दुर्जन के घर मिलने गई थी, जो कि रंजना का दामाद है। गुरुवार की सुबह अपने घर अहरौला के लिए निकली थी। जैसे ही शांति चौक पर पहुंची थी, तभी अम्बेडकर नगर जिले की तरफ से आ रही अनियंत्रित पिकअप बाइक सवार रमेश मोदनवाल को टक्कर मारते हुए उससे चंद कदम की दूरी पर ही दोनों बहनों को टक्कर मार दी, जिसमें अवतारी उम्र 55 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं रंजना गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी गौरव शर्मा, थानाध्यक्ष नदीम अहमद फरीदी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। डॉक्टरों ने अवतारी को मृत घोषित कर दिया, वहीं रंजना की हालत खराब देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। अभी अभी थोड़ी देर पहले दो महिलाएं एम्बुलेंस के द्वारा लाई गई, उसमें से एक महिला ऑलरेडी मृतक है, वो ऑलरेडी डेड है, ब्रॉड डेड है, और एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों पैर में खासकर बहुत चोटें आई हैं और अभी अंदरूनी चोटें हैं। हमारे यहाँ इलाज उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, टेटबैक लग गया, इंजेक्शन लग गया, ओडीशेप लग गया है, और उनको तुरंत एम्बुलेंस ऑक्सीजन के साथ भेजा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए।